ठीक है सिंह रोड में ये एक की प्लेयर है ग्लोबल जियो का ये हिस्सा बना हुआ है और ये ज्यादा से ज्यादा जोर दे रहा है इकोनॉमिक ट्रांजिशन को और अचीव करने में है लगा हुआ कि अपने इकोनॉमिक इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग कर ले स्टेबलाइज कर ले और रीजनल कॉपरेशन की ये बात करता है मजीद हम देखें तो लीडरशिप रोल्स नजर आएंगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इसके सीआईसीए के अंदर जैसे शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एस सी में ठीक है और इंटेग्रल कंपोनेंट है ये और इसका राइज बहुत ज्यादा नजर आ रहा है सेंट्रल एशिया के अंदर एक प्रोमिनेंट फिगर बना हुआ है ये काजिकस्तान की कमिटमेंट ही भी यही है कि वो रीजनल कनेक्टिविटी को बढ़ाना चाह रहा है बूस्टअप करना चाह रहा है और इकोनॉमिक कॉपोरेशन को बढ़ाना चाह रहा है एक प्रोएक्टिव रोल प्ले कर रहा है एड्रेस करने के लिए जितने भी जियो पॉलिटिकल चैलेंजेस हैं तो वो ये तमाम चीजें यही रिफ्लेक्ट कर रही हैं कि इसकी कितनी डिटर्मिनेशन uh, है कितना ये पुरअम है शेप करने के लिए अपनी खुद की डेस्टिनी को अपनी खुद की फेट को और फिर ये कंट्रीब्यूट भी कर रहा है स्टेबिलिटी को इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर uh, तो यही हमें इसमें आर्टिकल में देखने को मिलेगा और हम इस आर्टिकल को आज जो है वो प्रेजेंटेशन फॉर्म में स्टार्ट करेंगे मगर uh, उसको स्टार्ट करने से पहले इसमें मौजूद कुछ डिफिकल्ट टर्म्स हैं हम उनको अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो हमारे पास जो सबसे पहली टर्म है वो है जियो ठीक है जियो पोलिटिक्स एरियाज को ही कह रहे हैं यहाँ पर इफेक्ट जिसका पड़ रहा है जोग्राफी का जिसके ऊपर ठीक है अरेंजमेंट देखते हैं हम इसमें स्टेट्स की जिसमें पॉलिटिक्स भी हो इंटरनेशनल रिलेशन में क्या क्या इसके इफेक्ट्स पड़ते हैं ठीक है उसके अलावा लेगेसी आ जाता है लेगेसी कहते हैं विरसे को ही कि जो प्रीवियस जनरेशन थी या टाइम था उसमें जो बचा कुचा जो कुछ बचा है वो हैंडेड ओवर कर दिया गया है नई आने वाली जनरेशन को ठीक है नेक्स्ट हमारे पास रिपल्स आ जाता है रिपल्स स्मॉल वेव्स को कहते हैं यानी कि छोटी छोटी लहरों को कहते हैं बेसिकली ये मेटाफोरिकली यूज किया जा रहा है और यहां पर रेफर कर रहा है कि किस तरीके से जो इन्फ्लुएंस है वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली स्प्रेड करता है और अपनी ग्रिप में तमाम चीजों को ले लेता है उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास वो है ट्रेजेक्ट्री ट्रेजेक्ट्री बेसिकली हम रफ्तार को कहते हैं ये रफ्तार किसी भी चीज की डेवलपमेंट की हो सकती है जैसे कि काजिकस्तान जो है वो बहुत तेज रफ्तारी के साथ डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है उसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास कमांड इकोनॉमी आ जाता है कमांड इकोनॉमी एक इकोनॉमिक सिस्टम है जिसके अंदर गवर्नमेंट जो है वो तमाम डिसीजन लेती है अपनी सर्विसेज एंड गुड्स के हवाले से कि कैसे उनको प्रोड्यूस करना है ठीक है इसको हम कमांड इकानमी कहेंगे नेक्स्ट हमारे पास इकोनॉमीज ऑफ स्केल आ जाता है कि स्केल कितना बढ़ रहा है मैशियत का कि अगर एक्सपेंशन होती है बिजनेसिस में एक्सपेंशन हो रही है तो क्या जो एडवांटेजेस हैं जो हैं उसकी कॉस्ट किस तरह से पड़ेगी कितना फायदा उस पर हासिल होगा ठीक है या फिर कितना डिक्रीज आएगा आउटपुट में उसके अलावा नेक्स्ट टर्म जो है हमारे पास चेयरमैनशिप है चेयरमैनशिप जो है ये बेसिकली हम पोजीशन को कह रहे हैं ऑफिस ऑफ अ चेयरमैन चेयरपर्सन को कह रहे हैं बेसिकली जो रोल प्ले करता है लीडरशिप का ठीक है तो यहाँ पर कौन रोल प्ले कर रहा है काजिकिस्तान की बात की जा रही है कि लीडरशिप रोल प्ले कर रहा है वो ऑर्गेनाइजेशन में जैसे कि सीआईसी के अंदर और एस के अंदर नेक्स्ट हमारे पास पर्टीनेंस आ जाता है पर्टीनेंस जो है वो क्वालिटी है रेलिवेंट रहने की कि किस तरीके से एक पर्टिकुलर मैटर के ऊपर जो है वो रेलिवेंसी हमने कायम रखी हुई है उसके अलावा नेक्स्ट कनिंग है कनिंग यानी स्किलफुल तरीके से आर्टफुल तरीके से क्लेवरनेस uh, के तरीके से हम चीजों को किस तरह से चला रहे हैं नेक्स्ट हमारे पास आता है फुटप्रिंट्स ठीक है फुटप्रिंट्स हम जो कहते हैं जो हमारे बेसिकली असरात छूट जाते हैं जैसे कि हम मेजर पार्ट्स की बात करें चाइना और रशिया की तो वो जियो पोलिटिकल लैंडस्केप में उनके जो असरात हैं जो फुटप्रिंट छोड़े छोड़ रहे हैं उनकी बात की जा रही है उसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास एसेंट 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 आ जाता है एसेंट होता है है होता राइज होना चढ़ाई चढ़ना ठीक पर काजिकस्तान की की बात की जा रही है पॉलिटिकल सिचुएशन की बात की जा रही है कि किस तरीके से वो तरक्की के मनाजिल तय कर रहा है और एक प्रोमिनेंट फिगर बन गया है वो ग्लोबल एशिया के अंदर या साउथ एशिया के अंदर हम देख सकते हैं उसके अलावा ट्रांसेंडिंग आ जाता है ट्रांसेंडिंग कहते हैं बियॉन्ड चले जाना सरपास कर देना लिमिट्स को ही ठीक है मेटाफोरिकल सेंस में यूज किया जा रहा है इसको भी उसके बाद जो लास्ट वन है वो हमारे पास आर्किटेक्ट आ जाता है आर्किटेक्ट को भी मेटाफोरिकल सेंस में ही यूज़ किया जा रहा है इसका मतलब यही है कि किस तरीके से डिवेलपमेंट हो रही है सिग्निफिकेंट डिवेलपमेंट देख रहे हैं हम और स्टेबिलिटी आ रही है यूरेशिया के अंदर तो ये थे इसके कुछ डिफिकल्ट टर्म्स जो हमने अंडरस्टैंड कर ली हैं अब हम इसको प्रेजेंटेशन फॉर्म में जो इसके मेन आइडियाज हैं उनको अंडरस्टैंड करने की भरपूर कोशिश करेंगे ठीक है काजिकिस्तान इन सी आई सी एंड एस सी ओ जो है वो इसका टाइटल है हम इसको देखते हैं अब इसमें क्या क्या मेन पॉइंट्स हैं सो हमारे पास फर्स्ट वन आता है रीजनल कॉपरेशन का पॉइंट ठीक है रीजनल कॉपरेशन में काजिकिस्तान किस तरीके से रोल प्ले कर रहा है काजिकस्तान एम्फोसाइजेस स्ट्रॉग रीजनल कॉपरेशन फोकसिंग ऑन इंटीग्रेशन इन पॉलिटिकल सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक फील्ड्स ठीक है काजिकस्तान जो है वो एम्फोसाइज रहा है भरपूर जो है वो जोर दे रहा है कि रीजनल कॉपरेशन ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए इंटीग्रेशन होनी चाहिए पॉलिटिक्स में सिक्योरिटी के हवाले से देखें या इकोनॉमिक फील्ड्स में देखें द कंट्रीज लीडरशिप रोल इन दंगाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एंड द कॉन्फ्रेंस ऑन इंट्रेक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एशिया यानी कि जो अब कंट्री की लीडरशिप रोल है जो कि एस सी ओ के अंदर देखें हम और सी आई सी ए के अंदर देखें तो शोक इज इट्स कमिटमेंट टू फॉस्टरिंग अलायसेज इन टर्ब्यूलेंट ग्लोबल एनवायरमेंट तो वो कमिटमेंट ही शो कर रही है कि किस तरीके से ये अलायसेज को मजीद बढ़ाना चाह रहा है इस ग्लोबल एनवायरमेंट के अंदर ये होगी हमारे पास रीजनल कॉपरेशन। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो है लीडरशिप इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ठीक है अब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ किस तरीके से जुड़कर ये काम कर रहे है और लीडरशिप रोल अपना किस तरह प्ले कर रहा है वो देख सकते हैं काजिकस्तान चेयरमैनशिप इन सी आई सी एंड एस यू रिफ्लेक्टेड ग्लोबल लीडरशिप एम्बिशन अब काजिकिस्तान का लीडरशिप रोल का देखें इसके अंदर तो इसमें भी हमें नजर आ रहा है कि चेयरमैनशिप नजर आती है दोनों एस uh, के अंदर भी सी आई के अंदर भी तो यहाँ पर उसकी एम्बिशन जो है वो बहुत हाई हैं द कंट्री एक्टिवली प्रोमोट्स इनिशियेटिव सच एज दी आई सी ए फाइनेंस समिट ठीक है Summit, ये प्रोमोट कर रहा है इनिशियेटिव को भी सी आई सी ए के फाइनेंस समिट को सी आई सी ए की काउंसिल को ऑन सस्टेनेबल कनेक्टिविटी एंड द सी आई सी ए हाई लेवल कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंटल इशूज ठीक है एनवायरमेंटल इशूज से मुतालिक भी ये काफी ज्यादा काम कर रहा है Uh, उसके अलावा जो है हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट में वो है हमारे पास इकोनॉमिक ट्रांजिशन इकोनॉमिक ट्रांजिशन किस तरह से लेकर आना चाह रहा है ये देखते हैं हम काजिकस्तान अर्ली कमिटमेंट टू शिफ्टिंग फ्रॉम अ कमांड टू अ मार्केट बेस्ड हैज कंट्रीब्यूटेड टू इट्स इकोनॉमिक ग्रोथ अब वो अर्ली उसकी कमिटमेंट यही थी कि शिफ्ट करेगा कमांड अपनी मार्केट बेस्ड इकॉनॉमी से जो कंट्रीब्यूट करेगी उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर द कंट्री इज एक्टिवली एंगेज इन ग्लोबल ट्रेड ठीक है पूरी दुनिया की तजारत के अंदर भी एंगेज है काजिकस्तान एंड एम्स टू पोजिशन इट और इसकी ख्वाहिश भी यही है कि वो अपने आप को उस पोजीशन पर ले आए एज वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट कम्पैटिटिव डेवलप्ड नेशंस यानी दुनिया की जो डेवलप्ड नेशंस हैं वो कम्पेटिटिव सबसे ज्यादा जो डेवलप्ड नेशंस कम्पैटेटिव हैं उस उस सफ में अपने आप को ला खड़ा करे इस तरीके से उसकी इकोनॉमी में ट्रांजिशन आ सकती है उसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास मिलिट्री एंड पॉलिटिकल रोल आ जाता है विद इन द सी आई सी ए फ्रेमवर्क अगर सी आई सी ए फ्रेमवर्क के अंदर ही देखें तो काजिकस्तान प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन डायरेक्टिंग द मिलिट्री पॉलिटिकल कंपोनेंट ठीक है तो मिलिट्री पॉलिटिकल कंपोनेंट के अंदर भी काजिकस्तान बहुत ही अहम किरदार अदा कर रहा है एंड इट्स प्री प्रो एक्टिव इन्वॉल्वमेंट इन मेडिएटिंग एफर्ट्स उसके अलावा जो मेडिएटिंग एफर्ट्स हैं उसमें भी अपना एक्टिवली रोल प्ले कर रहा है उसकी भी इन्वॉल्वमेंट है उसके अंदर भी सच एज टॉक्स ऑन द इनानियन न्यूक्लियर प्रोग्राम जैसा कि एग्जाम्पल के तौर पर हम देख सकते हैं कि ईरानी न्यूक्लियर प्रोग्राम के अंदर भी वो उसकी बहुत ज्यादा एफर्ट्स रही हैं इनक्रीजेस इट्स इंपॉर्टेंस इन एशियन रीजनल अफेयर्स यानी कि एशियन रीजनल अफेयर्स जितने भी हैं, उसमें ये एक की रोल जो है वो प्ले कर रहा है इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है डोमिनेंसी कायम होती जा रही है उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट में हम देख सकते हैं एस इकोनॉमिक फोकस एस का इकोनॉमिक फोकस क्या है जी यूटिलाइज इट्स लीडरशिप रोल इन एस टू स्ट्रेंथन इकोनॉमिक ऑपरेशन एंड सिक्योरिटी एस के अंदर वो स्ट्रेंथन करना चाह रहा है किस चीज को इकोनॉमिक ऑपरेशन को और सिक्योरिटी को काजिकस्तान द कंट्री एम्स टू ट्रांसफॉर्म द एस सी ओ इन टू प्रैक्टिकल एंड प्रोडक्टिव फॉरम अब कंट्री जो है यानी कि काजिकिस्तान जो है उसका एम यही है कि वो ट्रांसफॉर्म कर दे शिंगाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को एक बिल्कुल प्रैक्टिकल और प्रोडक्टिव फॉरम के तौर पर Folks, फोकसिंग ऑन ट्रेड जिसमें फोकस किया जाए तिजारत पर सिक्योरिटी कॉपरेशन पर एनवायरमेंटल इश्यूज पर भी बात की जाए और डिजिटल टाइज भी इसमें हो जाएं उसके अलावा नेक्स्ट ये कह रहा है कि रीजनल कनेक्टिविटी बढ़, बढ़ाना चाह रहा है काजिकस्तान लैंड लॉक कंडीशन एज एन अपॉर्चुनिटी फॉर रीजनल इंटीग्रेशन आप काजिकस्तान को ये भी नजर आ रहा है कि लैंड लॉक कंडीशीन है चारों तरफ से खुशकी में घिरा हुआ है तो अपॉर्चुनिटी है अगर रीजनल इंटीग्रेशन हो जाती है उसके लिए तो एक रीजनल कनेक्टिविटी एक हब बन जाएगा द नेशन एडहेयर्स टू द एक्सटेंडेड नेबरहुड थेरी ठीक है और वो थेरी कौन सी लगा रहा है एक्सटेंडेड नेबरहुड की थे लगा रहा है ठीक है उसी को एडहेयर कर रही है नेशन एम्फोसाइजिंग दैट इट्स प्रॉस्पैरिटी इज लिंक टू दट ऑफ इट्स रीजन एंड नेबरिंग कंट्रीज और वो इसी चीज पर जोर दे रहा है कि उसकी जो खुशहाली है वो लिंक किस चीज से करिए रीजन से और नेबरिंग कंट्रीज के साथ ही अगर कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो अब ये खुशहाली अच्छे तरीके से जो है वो परवान चढ़ सकती है नेक्स्ट है हमारे पास रिकोग्शन एंड एप्रिसिएशन ठीक है अब इसको रिकोगनाइज भी किया जा रहा है और इसको सराहा भी जा रहा है इसकी तमाम कोशिशों को काविशों को काजकिस्तान रिसीव रिकोगनीशन फॉर इट्स रोल इन एडवांसिंग रीजनल सिक्योरिटी अब रीजनल सिक्योरिटी के लिए वो जो रोल प्ले कर रहा है उसको उसने उसको रिकोग्निशन भी रिसीव हुई है कॉपरेशन इकोनॉमिक टाइज भी कर रहा है एनर्जी सिक्योरिटी के ऊपर काम कर रहा है और कल्चरल एक्सचेंजेस पे भी काम कर रहा है दिस रिक्शन इज हाईलाइटेड बाई एक्सप्रेशन ऑफ एप्रिसिए फ्राम लीडर्स तो डिफरेंट लीडर्स उसको सराहा भी किया है इस तरह की रिकग्निशन की वजह से ठीक है हाईलाइट किया गया एक्सप्रेशन को जैसा कि पाकिस्तान के, के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने इसको खूब सराहा था जियो पोलिटिकल इंपॉर्टेंस भी है अब इसकी काजिकस्तान वंस पार्ट ऑफ द सोवियत यूनियन एंड इन्फ्लुंस्ड बाय दिल्क रोड लेगीसी इज इमर्जिंग एज द की प्लेयर इन सेंट्रल एशिया ड्यू टू इट्स साइज एनर्जी रिसोर्स पोलिटिकल स्टेबिलिटी एंड स्ट्रेटेजिक जोग्राफिकल लोकेशन ठीक है अब काजिकस्तान की बात की जाए तो एक पार्ट रहा सोवियत यूनियन का इन्फ्लुंस हुआ है ये सिल्क रोड लेगेसी से एक इमर्जिंग की की प्लेयर बन गया है सेंट्रल एशिया के अंदर जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स साइज इसका साइज की वजह से और एनर्जी रिसोर्सेज यहाँ पर बहुत हैं और सियासी इस्तेकाम यहाँ पर मौजूद है उसके अलावा जो है वो स्ट्रैटेजिक जियो ज्योग्राफिकल जो है वो लोकेशन भी इसकी बहुत ही जो है वो जबरदस्त है स्ट्रेटेजिक प्रोवेस स्ट्रेटेजिक प्रोवेस यानी कि इसकी स्ट्रेटेजिक सलाहियत क्या है द काजिकस्तान स्ट्रैटेजिक प्रोवेस इज ट्रांसेंडिंग इट्स हिस्टोरिकल बैक बैकग्राउंड इसका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो उस हिसाब से देखें तो ये राइज की तरफ ही जा रहा है ऊपर की तरफ ही जाता जा रहा है प्रोग्रेस कर रहा है पोजिशनिंग इट सेल्फ एज आर्किटेक्ट ऑफ स्टेबिलिटी इन यूरेशिया और अपने आप को इस काबिल लेकर आ रहा है इस पोजिशन पर लेकर आ रहा है कि सिग्निफिकेंट आर्किटेक्ट कर सके स्टेबिलिटी कायम कर सके यूरेशिया के अंदर इस्ते लेकर आए एंड डिफाइनिंग इट्स ओन डेस्टिनी विथ इन द लार्जर फ्रेमवर्क ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और डिफाइन करे अपनी खुद की फेट को डेस्टिनी को लार्जर uh, फ्रेमवर्क पर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर तो ये प्रेजेंटेशन फॉर्म में इसके इम्पॉटेंट पॉइंट्स थे मेन पॉइंट्स थे आ, अगर तो आप लोगों को इस तरीके से ये प्रेजेंटेशन फॉर्म में आर्टिकल समझ में आया है अच्छा लगा है तो काइंडली अपना फीडबैक जो है वो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा दीजिएगा और ये था इसका एनालिसिस और करंट अफेयर के हवाले से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आई पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये था इसका एनालिसिज अगर आप लोगों को पसंद आया तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा थैंक यू वेरी मच अल्लाह हाफिज़